नमस्कार मेरी माता और मेरी बहनों, में पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं के लिए कौन कौन सी राशि के पुरुष के साथ शादी करना, लव करना, दोस्ती करना, बिजनेस करना या कैसा भी संबंध बनाना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मैं आता हूँ टॉपिक पर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि आपके रिश्ते किसी भी राशि के पुरुष के साथ जुड़ चुके हैं, बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, तो उन रिश्तों को निभाने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्तों में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और छल और कपट नहीं होना चाहिए। अपने हर रिश्ते को जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे तो आप किसी भी राशि के साथ संबंध बनाकर खुश रह सकते हैं। लेकिन मैं जो आज बात कर रहा हूं वो मिथुन राशि की महिलाओं के लिए कर रहा हूं कि इनकी ऐसी कौन कौन सी पुरुषों की राशि है जो मित्र राशि मानी जाती है, यदि इनके साथ इनके संबंध बनते हैं तो और भी अच्छे शुभ बन जाते हैं। तो वो सबसे पहले मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि मिथुन राशि के जो महिलाएं होती हैं उनके जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और जो पैर होते हैं यानी पाए वो तांबे के माने जाते हैं। तो ऐसी वो तीन राशियां हैं जिनके साथ मिथुन राशि की महिलाएं, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी हो, वो किस राशि के पुरुष के साथ खुश रह सकती हैं, वो तीन राशियां बताने वाले हैं। तो वो तीन राशियां हैं सिंह, तुला और वृषभ। इन तीन राशियों के साथ रिश्ते बनाए हुए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर यदि मिथुन राशि की महिलाएं हो और मिथुन राशि के पुरुष हो तो वो भी शुभ माना जाता है। और सबसे श्रेष्ठ जो राशि होती है मिथुन राशि की महिलाओं के लिए वो कुंभ राशि के पुरुष होते हैं। यदि मिथुन राशि की महिलाएं हो और कुंभ राशि के पुरुष हो, यदि इनके साथ ये कैसा संबंध बनाती हैं तो जीवन में बहुत ही खुशहाल, बहुत ही मजबूत, बहुत ही प्रगढ़ रिश्ते रहते हैं और इनमें बहुत कम अनबन होती है। खुशी के साथ ये जीवन को यापन करते हैं और हर खुशी जीवन में प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, ये बहुत ही खास टॉपिक है। ये बहुत ही अच्छे रिश्ते माने जाते हैं, जैसे सीता और राम का, राधे और श्याम का, विष्णु और लक्ष्मी जी का, शिव शंकर और पार्वती माता का। यानी मिथुन राशि की महिलाएं और कुंभ राशि के पुरुष यदि इनके शादी होती हैं या लव करते हैं, दोस्ती करते हैं, सूत्र एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं या कैसा भी जीवन रिश्ता बनाते हैं, तो ये बहुत ही कारगर और मजबूत माना जाता है। तो मेरी माता बहनों, मैं बहुत ही कम समय में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और सटीक सत्य भविष्यवाणी करने की कोशिश करता हूँ और आप तक ये जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। तो यदि आप रिश्ता बनाने जा रही हैं तो यदि आप ऐसा हो सकता है तो आप अपने मित्र राशियों के साथ संबंध बनाएं, ताकि आपको जीवन में कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, रिश्तों में मनमुटाव और कोई जहर या कड़वाहट ना भरे। तो मेरी माता बहनों, यदि आप जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा भी दिखवाना चाहती हैं या अगर कोई भी समस्याएं का समाधान कराना चाहती हैं या कोई भी जानकारी लेना चाहती हैं तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लेना चाहती हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9599252139। किसी पर भी आप अपना समस्या का मैसेज छोड़ सकती हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और अपनी माता बहनों को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को राजगुरु पंडित की तरफ से जय हिंद।